शिवपुरी जिला अस्पताल से जो खबर सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ के डॉक्टर कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ के डॉक्टर और नर्स ने एक मरीज को मृत बता दिया। पूरा मामला क्या है रिपोर्ट में देखिए। शिवपुरी में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, जिंदा महिला को बताया मृत। शिवपुरी जिला अस्पताल में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ डॉक्टर ने जिंदा महिला को मृत बता दिया है। जब परिजनों ने सांस चलने की बात बताई तो डॉक्टर परिजन पर ही भड़क गए। वहीं महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन से भर्ती कर लिया हमारे मरीज को। बोल रहे थे आज अल्ट्रासाउंड होगा, फलाना होगा और कुछ भी होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ 5 दिन में अभी तक। और आज सुबह रही 5 बजे पूरी नर्सों ने और इनने बोल दिया था कि ये तो खत्म हो गई। तो हम सब लोग पूरे रिश्तेदार रोने गाने लगे। फिर हम वहाँ से बच के आए। हम तो उधर हॉस्पिटल में आए तो क्या नाम है, हमने बोला सर के इसकी छुट्टी कर दो, अगर इलाज नहीं कर पा रहे तो छुट्टी भी नहीं करी। जानकारी के अनुसार गीता जाटव को बीमारी की वजह से 23 फरवरी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। महिला के शरीर में संक्रमण फैल गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मरीज को ऑपरेशन करने को कहा। इसके बाद महिला 5 दिनों तक तड़पती रही, लेकिन डॉक्टरों से ऑपरेशन करना तो दूर, उसकी पूरी जांचें भी नहीं कराई गई। और तो और डॉक्टर ने महिला को मृत बता दिया, जबकि महिला जिंदा थी। मैंने आप लाए हैं यहाँ पर भैया, साइकिल से पहले देखा था मैंने। अब मैं आज से इंक्वायरी करवा था पूरी, तो बस पता लगाऊंगा, फिर आपको कुछ वापसी पता लगाऊंगा। परिजनों का डॉक्टर साहब ये भी आरोप है कि कितने डॉक्टर को जब हमने बताया तो डॉक्टर ने धमकी दी कि मैं तुमको भगवा दूंगा, जेल का इंजेक्शन लगवा दूंगा। इस पर कोई शिकायत मेरे पास नहीं की गई। शिवपुरी जिला अस्पताल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस अस्पताल से लापरवाही की कई खबरें सामने आई हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर सुधरने के बजाय मरीजों पर ही ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। ऐसे में चाहिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। शिवपुरी से के दुबे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।